हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑफ साइंस चैप्टर सेवन द वर्ड ऑफ लिविंग और आज हम करेंगे इसका पार्ट थ्री तो आज हम रीड करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रीशियन कि न्यूट्रिशियन के बेस पर जो प्लांट्स को किस तरह क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रीशियन कि उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड यानी तरीका उनका न्यूट्रिशन का क्या तरीका है प्लांट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज प्लांट्स को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में पहला है ऑटोट्रोप्स एंड सेकंड इज हैट्रोट्रोप्स ऑटोट्रोप्स ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रोप मीन्स न्यूट्रिशन यानी फूड बनाना ठीक है जो यानी कि इस प्रोसेस में प्लांट्स अपना फूड खुद बनाएंगे दीज प्लांट्स प्रिपेयर दियर ओन फूड जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं तैयार करते हैं अपना खाना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड खुद बनाते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी और जो सभी ग्रीन प्लांट्स हैं इसी कैटेगरी में आते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने रीड किया था ना कि ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स सनलाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ठीक है उसको हम ऑटोट्रॉप कहेंगे जो सभी जैसे ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास हैट्रोट्रोप्स हैट्रोप मीन्स जो क्या करेगा दूसरों से अपने फूड को प्रिपेयर करेगा दीज प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर दियर ओन फूड कि ये प्लांट्स अपने फूड को खुद ही प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं दे यूज द फूड सिंथीसाइज बाय अदर प्लांट्स और एनिमल्स ये यूज करते हैं फूड का किस तरह से करेंगे मान लीजिए कोई दूसरा प्लांट और एनिमल्स फूड को बना रहा है ठीक है तो ये उसी से अपने फूड को ले लेते हैं जैसे अब हम इंसान हैं हम ह्यूमन बींग्स हम भी हेट्रोट्रॉप है बिकॉज हम अपना फूड तो खुद नहीं बनाते हम अपना फूड किससे लेते हैं प्लांट्स से आगे है हेट्रोट्रोप्स आर अगेन डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज जो हैट्रोट्रोप्स हैं उनको डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में ठीक है सेप्रोफाइट्स एंड पैरिसाइड्स फर्स्ट वन इज सेप्रोफाइट सेप्रोफाइट्स आर प्लांट्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग बॉडीज सेप्रोफाइट्स क्या है वो प्लांट्स होते हैं जो फीड करते हैं यानी अपना खाना कैसे लेंगे डेड एंड डिकेइंग बॉडी जो मरे गले सड़े बॉडी uh, होती है ना उनसे अपना फूड लेंगे जैसे मशरूम और फंगस सेप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं ठीक है आगे हैं पैरासाइट्स पैरासाइट्स कौन से होते हैं दीज आर प्लांट्स डेट फीड ऑन अदर लिविंग बॉडीज ये अपने फीड के लिए अपने भोजन के लिए दूसरी जो लिविंग बॉडीज उन पर डिपेंड रहते हैं जैसे डोडर प्लांट हो गया ठीक है डोडर हो गया एंड ऑर्चिड्स आर एग्जाम्पल्स हो पैरासाइट्स प्लांट्स जैसे हम पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जैसे ये मैंगो ट्री है ठीक है प्लांट ये क्या अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर रहा है ये क्या होता है हमारा ऑटोट्रोप्स आगे है हेट्रोट्रोप्स हेट्रोट्रोप्स हमने क्या कहा था जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करेगा बल्कि अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहेगा इसके टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज सेप्रोफाइट्स एंड सेकंड इज पैरासाइट्स ठीक है सेप्रोफाइट्स का एग्जांपल आ जाएगा आपका मशरूम फंगस एंड पैरासाइट्स का आ जाएगा आपका डोडर जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं एंड ऑर्चिड्स नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अब हम प्लांट्स का रीड आउट कर रहे थे अब तक ठीक है प्लांट्स के बारे में अब हमें एनिमल्स को क्लासीफाई करना है इन ऑर्डर टू स्टडी एनिमल्स वी क्लासीफाई दैम ऑन द बेसिस ऑफ दियर कॉमन करेक्टरस्टिक्स कि अगर हम जो हम एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं हम क्लासीफाई करते हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ दियर कॉमन करैक्टरिस्टिक्स उनकी कॉमन करैक्टरस्टिक्स के बेस पर तो फर्स्ट करैक्टरस्टिक्स है उसकी क्लासीफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द बैकबोन अब इसमें हमने क्लासिफाई करना है उनको उनके बैकबोन बैकबोन यानी जो उनकी बोन क्या होती है हड्डी बैकबोन यानी जो उनकी बैक की हड्डी हुई तो हमारे पास है एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ अब्सेंस कि एनिमल्स को डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरी में किसकी एबसेंस में और प्रेजेंस में ऑफ द बैकबोन इन दैम कि उनकी बैकबोन है या नहीं यानी उनकी रीढ़ की हड्डी है या नहीं दीज टू कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड इस तरह की जो दो कैटेगरीज हैं एनिमल्स की उनको हम कहते हैं वर्टी ब्रेड्स एंड इन वर्टिब्रेड्स अब हमारे पास एनिमल्स जिनका हम पढ़ रहे थे वर्टी ब्रेड्स एंड इन वर्टी ब्रेड्स इसका डिफ्रेंस के तौर पर दिया गया है तो इसको वन बाई वन रीड करेंगे फर्स्ट है पहले हम पढ़ रहे हैं वर्टी दे हैव अ बैक बोन वर्टिब्रेड्स कौन से होते हैं जिनकी बैक बोन होती है मतलब रीढ़ की हड्डी होती है वही इज मेड अप ऑफ सेवेरल स्मॉल रिंग लाइक बोन्स और ये किससे बनी होती है जैसे छोटी छोटी रिंग की तरह होती है ना बोन्स उससे बनी हो उसे हम बोलते हैं वर्टिब्रेय ठीक है और इन वर्टिब्रेड्स में क्या हो जाएगा च डोंट हैव अ बैक बोन जिनकी क्या है बैक बोन नहीं होती वर्टिब्रेड्स की तो बैक बोन होगी और इन वर्टिब्रेड्स की बैक बोन नहीं होगी सेकेंड है दीज एनिमल्स आर वेल डेवलप्ड एंड हैव अ बोनी स्केल्टन ये एनिमल्स वेल डेवलप्ड होंगे होंगे ही बिकॉज इनमें क्या है इनके पास क्या है इनकी बैक बोन है तो उनकी बोनी स्केल्टन होएगी और इन वर्टिब्रेड्स में तो बैक बोन नहीं थी तो इसलिए उनकी बॉडी क्या सी होती बिल्कुल सॉफ्ट होएगी क्योंकि हड्डी तो उनमें है नहीं है ठीक है बोन तो उनकी है नहीं है तो बोन वजह से ही वो मतलब स्ट्रॉन्ग से होते हैं ना हार्ड होते हैं बट इसमें बैकबोन नहीं है तो इनकी बॉडी कैसी होगी सॉफ्ट बॉडी होगी थर्ड है the examples are, human beings, fish, frog, lizard, birds, इन बैकबोन होती है और जो ये एग्जाम्पल्स दिए हैं इनवर्टी ब्रेड की जिनकी बैकबोन नहीं होती वो है अर्थवोम कॉकरेच स्नेल ऑक्टोपस एंड ये इनकी डायग्राम शो किए गए हैं नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स वी हैव ऑलरेडी क्लासीफाई इन चैप्टर वन हमने चैप्टर वन में पढ़ा है कि जो एनिमल्स को क्लासीफाई किया जाता है हार्बिवर्स कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स इनके बेसिस पे क्लासीफाई किया हार्बिवर्स है, होते हैं कि जो एनिमल्स क्या है हर्ब्स से रिलेटेड प्लांट्स मटेरियल हो गया चाहे प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं उन्हें हार्बिवर्स कहेंगे कार्निवर्स जो एनिमल्स किस को खाते हैं दूसरे एनिमल्स को खाते हैं ठीक है ये मांस वगैरह खाते हैं एंड ओमनीवर्स होगा कि वो जो क्या है जो हार्बिवर्स में भी आए और कार्निवर्स यानी जो फल फ्रूट्स वगैरह प्लांट्स वगैरह भी खाए और मांस वगैरह भी खाता वो ओमनीवर्स में आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फूड्स दे एड और जो भी किसके बेस पर जिस फूड को वो खा रहे हैं वी ऑल्सो हैव सम एडिशनल क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स और हमारे पास ऐसे क्या है कुछ एडिशनल क्लासिफिकेशन एनिमल्स की इन ईच ऑफ दीज कैटेगरीज इन कैटेगरीज में दीज एडिशनल कैटेगरीज आर एक्सप्लेन हेयर और इनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया फर्स्ट चैप्टर में तो हमने हार्बिवर्स कार्निवर्स और ओमनीवर्स के बारे में रीड किया था बट अब हम क्या है और भी कुछ कैटेगरीज को एक्सप्लेन करेंगे सो फर्स्ट वन इज फ्रगीवर्स दीज आर द एनिमल्स विच इट फ्रूट्स ओनली जैसे फ्रू से ही लिखा था इट मीन फ्रूट्स ये वो एनिमल्स हैं जो ओनली ऑन फ्रूट्स खाते हैं जैसे पैरट सेकेंड है इंसेक्टिवर्स इंसेक्ट हो गया यानी कि ये कौन से एनिमल्स होंगे विच फीड ऑन इंसेक्ट जो कि नहीं इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों को खाते हैं जैसे लिजार्ड थर्ड है सेप्रोफाइट्स सेप्रोफाइड्स किन खाते हैं पीछे रीड किया था जो या डिकंग मैटर को खाते हैं ठीक है मरे हुए या कुछ डिकेइंग मैटर्स को लेते हैं ठीक है वो होंगे हमारे सेप्रोफाइड्स जैसे कि कुछ बैक्टीरिया नेक्स्ट है पैरासाइट्स पैरासाइट्स भी हमने पीछे रीड किया था कि जो अपने फूड के लिए दूसरों की बॉडी पर डिपेंड रहते हैं दीज ऑप्टेन फूड्स फ्रॉम अदर एनिमल्स बाई लिविंग इन और ऑन देअर बॉडीज या तो उन पर या उनकी बॉडी पे डिपेंड रहते हैं जैसे लीच हो गया हेड हाउस लाउस हो गया बेड बग हो गया ठीक है ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अगली है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन के बेस पे कैसे एनिमल्स को क्लासिफाई किया है एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे रिप्रोड्यूस कि एनिमल्स को डिवाइड किया गया है थ्री ग्रुप में किसके बेस पे कि वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं सम एनिमल्स ले एग्स कुछ जानवर अंडे देते हैं सम अदर्स रिप्रोड्यूस बाई डिवाइडिंग दियर बॉडीज और कुछ कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी को डिवाइड करके यानी कि आ, कुछ क्या है जन्म देकर ठीक है गिव बर्थ टू दियर यंग वंस कुछ जन्म देकर अपने बच्चों को ठीक है करते हैं आगे जैसे फर्स्ट वन इज एग लेंग एनिमल्स एग लेइंग एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स जो अंडे देते हैं रिप्रोड्यूस थ्रो एग्स वो कैसे पैदा होते हैं रिप्रोड्यूसर नहीं पैदा होते हैं थ्रो एग एग के थ्रू पैदा होते हैं दे हैच एक्स वो क्या है अंडे से निकलते हैं हैच ठीक है विच डेवलप इन टू यंग वंस जो उसके बाद क्या है कि यंग बन जाते हैं जैसे फिश और बर्ड्स हैं बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी जो बर्ड्स हैं और फिश हैं वो अंडे देकर अपने बच्चे को जन्म देते हैं जैसे इस पिक्चर में दिखाई दिया कि जो है ठीक है इसने क्या किया एग ले किया एग ले किया उसके बाद एग जब हैच हुआ ठीक है हैच हुआ तो उसमें से बेबी निकला इसके बाद वो बेबी थोड़ा और ग्रो करता है और ग्रो करके वो क्या है कि वो एडल्ट बन गया तो वो एक हैन बन जाती है ठीक है अब उसके बाद है हमारे पास सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग दियर बॉडीज कुछ क्या करते हैं अपनी बॉडी को डिवाइड कर देते हैं जैसे अमोएबा हो गया हाइड्रा हो गया वो इस कैटेगरी में आते हैं जैसे एक अमोइबा है ठीक है जैसे पिक्चर में भी दिखाई दिया है ये खुद की बॉडी को ही आ, क्या करेगा खुद की बॉडी को डिवाइड कर देगा टू पार्ट्स में ठीक है उसके बाद उनसे उसका न्यूक्लियस ग्रो करेगा फिर उससे फर्दर न्यूक्लियस टू में डिवाइड होगा और इस तरह से टू अमोइबा रिप्रोड्यूस हो जाएंगे सम एनिमल्स डो नॉट ले एग्स कुछ ऐसे भी होते हैं एनिमल जो अंडे नहीं देते हैं दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू दियर यंग वनस और वो क्या है डायरेक्टली जन्म देते हैं अपने बच्चों को जैसे रैट हो गया काओ हो गया ह्यूमन हो गया इंसान ठीक है वो हम सब इसी कैटेगरी में आते हैं जैसे काओ का दिखाई दिया काओ भी एग ले नहीं करते हैं वो भी डायरेक्टली क्या है बर्थ देगी अपने बेबी को नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कवरिंग अब क्लासीफाई करना है हमने उनकी बॉडी को कवरिंग किस तरह से कवर होता है उनकी बॉडी का एनिमल्स कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कवरिंग ऑफ दियर बॉडी एनिमल्स को एनिमल्स uh, भी ग्रुप किए जाते हैं उनको किसकी कवरिंग के हिसाब से उनकी बॉडी की सम एनिमल्स लाइक स्नैक्स एंड फिशेज जैसे सांप हैं मछलियाँ हैं उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं ठीक है स्केल होंगी जैसे लाइनिंग से होती है फ्रॉक्स हैव अ स्लीमी स्किन फ्रॉक की बॉडी कैसी तो होती है बहुत ज़्यादा स्लीम सी होती है ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स ऑन देअर बॉडी और, और बर्ड्स के बॉडी भी फीदर्स होते हैं उनके पर होते हैं द बॉडीज ऑफ एनिमल्स जो बॉडी है आ, एनिमल की जैसे चाहे वो, वो चाहे इंसान है ठीक है काउज एंड हॉर्सेज हैव हेयर ऑन दैम उनकी बॉडी पर क्या होते हैं बाल होते हैं ठीक है ये स्केल इसे कहिए इस तरह से लाइन टाइप में बनी होती है ना जो ठीक है आगे है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कि जो प्लांट्स और एनिमल्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड अ नंबर ऑफ़ यूजफ़ुल सब्सटेंसेस प्लांट्स और एनिमल्स हमें देते हैं यूजफुल सब्सटेंस ठीक है uh, ज़रूरी चीज़ें देते हैं दैट वे यूज़ इन अर डेली लाइफ जिसका हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं लेट एस लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आर लाइफ आइए हम जो प्लांट्स और एनिमल्स की इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में कि क्यों जरूरी है हमारे लिए उसको हम अब डिस्क्राइब करेंगे हाउ प्लांट्स आर यूजफुल टू अस कि जो प्लांट्स हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं फर्स्ट है हमारे पास प्लाट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या करते हैं ऑक्सीजन को देते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान फोटोसिंथेसिस हमने पीछे रीड किया था ठीक है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें जो ग्रीन प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आ, अपना फूड प्रिपेयर करती है वाटर मिनरल्स कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ठीक है हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया ऑक्सीजन इज नीडेड बाय ऑर लिविंग बींग्स फॉर दियर सर्वाइवल और हमें तो पता ही है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी जरूरी है हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ही ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल फूड्स और जो प्लांट्स हैं वो तो हमारे फूड का बेसिक सोर्स है क्योंकि प्लांट्स नहीं होगा तो हमें फूड मटीरियल भी नहीं मिलेगा दे प्रोवाइड फ्रूट्स ये हमें देते हैं फ्रूट्स ग्रेन्स ठीक है अनाज सब्जियां हो गया ऑयल्स मतलब तेल स्पाइसेस मसाले शुगर चीनी टी चाय पत्ती एक्सेट्रा टू अदर लिविंग बीग्स ये सब हमें कहाँ से मिलता है प्लांट से ही तो मिलता है थर्ड है वुड हो गया रबड़ पेपर कॉटन ये सब हमें मिलते हैं प्लांट से ऑल दीज प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इन सभी प्लांट्स प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है क्या प्रोड्यूस करने में बनाने में मैनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट बहुत ही जो यूज़फुल प्रोडक्ट को बनाने में किया जाता है जैसे वुड है लकड़ी है लकड़ी का यूज़ हम दरवाजे बनाने में करते हैं ठीक है रबड़ पेपर पेपर हो गया अखबार वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं कॉटन हो गया ठीक है कॉटन के हम कपड़े वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं तो इस तरह ये सब हमें मिल कहाँ से रहें प्लांट्स से मिल रहे हैं नेक्स्ट मैनी मेडिसिन आर ओपटेन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स कि जो बहुत सी मेडिसिन हैं दवाइयाँ वो भी हमें प्लांट्स मिलते हैं जैसे हम घरों में भी इनका यूज़ करते हैं नीम हो गया तुलसी हो गया क्लोव एंड एक्यूलिप्स ठीक है ये सभी क्या है कि ये ऐसे प्लांट्स हैं यूजिंग फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन जिनका यूज़ हम मेडिसिन को प्रिपेयर करने में करते हैं जैसे आप तुलसी हो गया ठीक है इनका आप क्या खांसी ज़ुकाम के टाइम भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं आगे हाउ एनिमल्स आर यूज़फुल टू अस कि एनिमल्स हमारे लिए कैसे यूज़फुल है अब तक तो हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स क्यों यूज़फुल है अब हम एनिमल्स का पढ़ेंगे एनिमल्स लाइक कैमल एंड हॉर्स कि जैसे एनिमल्स हैं कैमल ऊंट है घोड़ा है, है इनका यूज़ क्यों होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूम्स एंड मटेरियल्स इनका यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट में एक जगह से दूसरी जगह जाने में जैसे अब आजकल के टाइम में तो चलो गाड़ी मोटर सब बन गए पहले टाइम में तो बिल्कुल जैसे हॉर्सेज हो गए थे जैसे बैलगाड़ी वगैरह के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे नेक्स्ट है वी गेट वेरी मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स और हमें इनसे बहुत अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद जैसे लेदर हो गया चमड़ा वूल हो गया ऊन एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स से मिलते जैसे वूल हो गया ये ठीक है ऊन हमें किसी भेड़ से मिलता है एनिमल एक्सक्रेटा इज़ यूज एज मैन्योर एंड फॉर प्रोड्यूसिंग गोबर गैस एनिमल एक्सक्रेटा जैसे कि जो एनिमल का एक्सक्रेटा है जैसे कि अब हम गोबर लगा लें गाय का उसका यूज़ हम मैन्योर के तौर पर खाद के रूप में करते हैं और किसमें गोबर गैस में भी यूज़ किया जाता है उसका मैनी एडिबल प्रोडक्ट्स और एडिबल होते हैं जो जिन्हें हम खा सकते हैं बहुत से खाने वाले प्रोडक्ट भी मिलते हैं जैसे मिल्क हो गया ठीक है दूध हो गया हमें एनिमल से तो मिल रहा है हनी हो गया एग हो गया मीट हो गया ये सब क्या है आर ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स ये सभी हमें किससे मिलते हैं एनिमल से मिलते हैं तो ये था हमारा चैप्टर सेवन तो इसमें हमने एनिमल्स और प्लांट्स की कैटेगरीज के बारे में रीड किया उनको उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनकी कवरिंग के अकॉर्डिंग उनकी हाइट और साइज़ के अकॉर्डिंग किन किन पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है और हमने अब उसकी यूजेस भी पढ़े हैं आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो तो आप इसके जितने भी पार्ट्स हैं तीनों की तीनों पार्ट्स को ज़रूर देखिए ताकि आपकी हर एक कंसेप्ट क्लियर हो सके ओके बाय फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू